मूवी का स्टार्टिंग हमें रेवेना के पास लेके जाता है। रेवेना की एक सिस्टर और थी जिसका नाम फ्रेया था। रेवेना धीरे धीरे हर किंगडम के अंदर जाके अब उन सभी को जीतती जा रही थी और अपनी बहन फ्रेया के साथ में हर किंगडम के ऊपर राज करती जा रही थी। कुछ टाइम बाद फ्रेया को एक लड़के से प्यार हो जाता है, लेकिन ये बात रेवेना को पता चल चुकी थी, जिसके बाद रेवेना अपनी बहन फ्रेया को समझाती है कि तुम्हारे पेट में पल रहा बच्चा तुम्हें कभी सक्सेसफुल नहीं बना सकता और जिस लड़के से तुम प्यार करती हो वो भी तुम्हें छोड़ के चला जाएगा। फ्रेया को प्यार पे बहुत विश्वास था, लेकिन रेवेना को सिर्फ अपनी ताकतों पे विश्वास था। टाइम बाद फ्रेया को एक बहुत ही प्यारी सी लड़की हुई। फ्रेया के पास उसी लड़के का लेटर आता है जिससे वो प्यार किया करती थी। उस लड़के ने कहा था कि वो फ्रेया से शादी करेगा और वो लोग अपने बच्चों को लेके काफी दूर चले जाएंगे। फ्रेया अपनी बच्ची को कैसल में ही छोड़ के बाहर निकल गई, लेकिन फ्रेया को ये नहीं पता था कि उसकी बच्ची का ये आखिरी दिन होगा। फ्रेया भागती हुई कैसल के अंदर पहुंचती है। अब तक फ्रेया ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल नहीं किया था, सिर्फ और सिर्फ रेवेना के पास ही पावर्स थी। लेकिन फ्रेया ने अपनी आंखों से देखा कि जिस इंसान से वो प्यार करती है उसी ने अपनी बच्ची को जला दिया। तभी से फ्रेया के पास अपनी पावर्स आ गई और फ्रेया ने अपने सामने खड़े लड़के को पूरा फ्रीज कर दिया। उसी दिन से फ्रेया ने तय किया कि वो अब अपनी बहन रेवेना से दूर रहेगी और खुद का एक नया एम्पायर खड़ा करेगी, जिसके बाद फ्रेया एक आइस क्वीन कहलाने लगी। वो खुद बच्चे को नहीं पाल सकी, इसी कारण वो हर किंगडम के बच्चों को अपने पास ले आती, उन सारे बच्चों को सोल्जर्स बनाती, यानी कि हंट्समैन, ऐसे शिकारी बच्चे जो कि किसी भी सोल्जर से नहीं हार सकते हैं। फ्रेया के यही सोल्जर अब धीरे धीरे बड़े हो चुके थे, जो कि अब फ्रेया के कहने पे नॉर्थ के हर किंगडम में जाते और वहां के राजा को मार गिराते और उन्हीं का क्राउन फ्रेया के कदमों में ला रखते। इस आर्मी के अंदर सबसे पावरफुल दो सोल्जर्स थे, जिसमें लड़की का नाम एरिक, जिसे हमने लास्ट स्नो व्हाइट मूवी के अंदर पहले से ही देखा था, ये हमारे क्रिस हेम्सवर्थ है, जिन्हें आपने कई सारी मूवीज में देखा होगा। अगर आपने एक्वामैन और थॉर नहीं देखी होगी तो आपको एक बार मेरे ब्रदर यानी कि हितेश नागर के चैनल पे जरूर विजिट करना चाहिए। कहानी आगे बढ़ती है जहां पे एरिक को सहरा से प्यार हो जाता है, लेकिन इन सभी को पता था कि फ्रेया के किंगडम के अंदर एक ही रूल है कि कोई भी किसी से प्यार नहीं कर सकता है। सहरा और एरिक का प्यार इतना बढ़ चुका था कि सहरा ने एरिक से शादी कर ली थी। अब एरिक चाहता था कि वो अपनी फैमिली को आगे बढ़ाए, इसी कारण वो फ्रेया के किंगडम से निकल जाए। ये दोनों एक जगह तय करते हैं मिलने के लिए, लेकिन ये बात तब तक फ्रेया के आउल के थ्रू फ्रेया को पता चल चुकी थी। इसी कारण फ्रेया ने बाकी सारे हंसमैन जो कि एक साथ ही बड़े हुए थे वो एरिक और सहरा के खिलाफ खड़े कर दिए थे, जिसके बाद फ्रेया ने कहा कि अगर तुम दोनों को साथ जाना है तो तुम्हें यहाँ से साथ ही निकलना पड़ेगा, लेकिन अगर तुम जिंदा बचे तो। जिसके बाद एरिक और सहरा जिंदा बचने के लिए अपने ही लोगों से लड़ाई करने लगते हैं। एरिक और सहरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट थे इसलिए वो जीतते जा रहे थे, लेकिन फ्रेया को ये बर्दाश्त नहीं था। इसी कारण उसने एक ऐसी आइस वॉल खड़ी की जिसकी एक तरफ सहरा थी तो दूसरी तरफ एरिक था। एरिक ने देखा कि सहरा मारी जा चुकी है। इसके बाद में एरिक को भी इंजर्ड कर दिया गया और उसे पानी में फेंक दिया गया। मूवी के एक सीन में हमें दिखाया जाता है कि कुछ सोल्जर्स की एक टीम उसी जादुई मिरर को लेके एक फॉरेस्ट से गुजर रही थी और इसी के साथ हम एरिक को भी देखते हैं, जो कि राजा के कुछ लोगों को डियर का शिकार करने से मना करता है। इसी के साथ हम ड्यूक को देखते हैं, जो कि अभी स्नो व्हाइट का हस्बैंड, इसी के साथ में स्नो व्हाइट के किंगडम का प्रिंस भी बन चुका था। एरिक के पास आके ड्यूक सब कुछ बताता है कि रेवेना के मर जाने के बाद ये जादुई मिरर अब स्नो व्हाइट के पास था। स्नो व्हाइट को बार बार ये मिरर अपनी तरफ बुलाता रहा, जिसके बाद स्नो व्हाइट की काफी तबीयत खराब हो चुकी है। इस मिरर को अब गिरजाघर में रखवाना पड़ेगा, लेकिन जो टुकड़े इस मिरर को लेके जा रही थी वो टुकड़ी अब गायब हो चुकी है और मिरर भी अब किसी के पास नहीं है। एरिक ये काम करने से मना कर चुका था क्योंकि अब तक फ्रेया के किंगडम से निकले हुए तकरीबन 7 साल हो चुके थे, जिसके बाद स्नो व्हाइट और रेवेना के बीच की लड़ाई भी हो चुकी थी। एरिक मना करता है कि मैं इस झमेले में नहीं पड़ने वाला हूँ, आखिर स्नो व्हाइट ने मुझे ही क्यों चुना। जहाँ ड्यूक कहता है कि स्नो व्हाइट को सिर्फ तुम पे ही बिलीव है कि वो मिरर तुम ही ढूंढ सकते हो। एरिक कहता है कि आखिर ऐसा क्या है उस मिरर में। तब ड्यूक कहता है कि वो मिरर इतना पावरफुल है कि जिसे जो भी चाहिए वो सब कुछ उसे मिल सकता है। तभी एरिक अपने हाथ से एक एक्स लेता है और सीधा एक ट्री की तरफ फेंकता है, क्योंकि वहां पे बैठा आउल फ्रेया का था, जिसे अगर इसी मिरर के बारे में पता चल गया तो फ्रेया को भी फिर इसी मिरर की तलाश रहेगी, जिसके बाद फ्रेया को रोकना नामुमकिन हो जाएगा। एरिक यहाँ पे ड्यूक के सोल्जर्स को कहता है कि तुम सभी नॉर्थ के साइड में जाओ, मैं उस मिरर को ढूंढने के लिए जाता हूँ। एरिक के साथ में दो बॉनी भी थे जो कि उसकी मदद और फॉरेस्ट का रास्ता दिखाने के लिए थे। यहाँ पे रेवेना को इसी मिरर के बारे में पता चल चुका था और अभी तक खेल खत्म ना होने के कारण उसने अपने एक सोल्जर को कहा कि खेल तो अभी शुरू हुआ है, अब मुझे भी वो मिरर चाहिए। एरिक नेचर से बात कर सकता था, इसी कारण वो मिट्टी से बात करता है और उसे पता चलता है कि सारी सोल्जर्स की टीम आखिर कहां तक गई है। अंधेरी फॉरेस्ट के अंदर जब एरिक और वो दोनों बॉनी आगे बढ़ते हैं तो उन्हें सारे सोल्जर मरे हुए दिखाई देते हैं, लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आता कि उन्हें मारा किसने है। एरिक को धीरे धीरे समझ आने लगता है कि ये सब कुछ हेलुसिनेशन के कारण हुआ है, सारे सैनिकों ने एक दूसरे को ही मारा है, लेकिन सिर्फ एक सोल्जर के अंदर एक ऐसा एरो मिला जो कि गोल्ड और डायमंड से बना था, इसी के साथ एक ऐसा ब्लड जिसके अंदर टार की स्मेल आ रही थी। रात होने पे एरिक और ये दोनों बॉनी एक जगह पे रुकने का सोचते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे हंट्समैन की एक और टोली आ जाती है जो कि फ्रेया ने भेजी थी एरिक को मरवाने के लिए। इन सभी के बीच काफी झड़प हो जाती है, लेकिन तभी एरिक को कोई बचा लेता है और फ्रेया के सारे भेजे हुए हंट्समैन यहाँ से डर के मारे भाग जाते हैं। एरिक जब देखता है कि आखिर उसकी मदद किसने की है तो वो चौंक जाता है, क्योंकि 7 साल पहले उसे यही पता था कि सहरा मारी जा चुकी है, लेकिन असल के अंदर एरिक की अभी जिसने जान बचाई थी वो सहरा ही थी। लेकिन सहरा ने एरिक के सर पे इतनी जोर से वार किया कि वो बेहोश हो चुका था। सहरा ने एरिक और दोनों बॉनों को बांध के रखा था। एरिक बताता है कि उस दिन तुम मारी जा चुकी थी तो तुम जिंदा कैसे बची।
बची। तो सैरा कहती है कि तुम इतना झूठ कैसे बोल सकते हो, मैं उस दिन मारी नहीं गई थी बल्कि तुम वहाँ से भाग चुके थे। जहाँ पे सैरा और एरिक दोनों को ही पता चलता है कि जो वॉल फ्रेया ने खड़ी की थी उसके कारण उन दोनों को वही दिखाई दिया जो फ्रेया चाहती थी। सैरा बताती है कि तुम्हारे भाग जाने के बाद मुझे कैद कर दिया गया, मैं पिछले 7 सालों से सिर्फ तुमसे रिवेंज लेना चाहती थी और आज जब मुझे ये मौका मिला है तो मैं ये मौका बिल्कुल नहीं गंवाना चाहती। जिसके बाद एरिक उसे समझाता है कि ये सब कुछ हमें फंसाने के चक्कर में किया गया है। यहाँ पे रेवेना भी अब एरिक का पता कर चुकी थी कि इस समय अभी एरिक कहाँ होगा। यहाँ एरिक, सैरा और दोनों बॉने सुबह होते ही आगे निकलती है, जहाँ सैरा कहती है कि मैं भी अब तुम्हारे साथ में हूँ, अगर यही ब्लैक मैजिक वाला मिरर फ्रेया के हाथ लग गया तो शायद बहुत तकलीफ हो सकती है, तो मैं भी उसे तुम्हारे साथ ही ढूंढूंगी। लेकिन फ्रेया हमारा पता ना लगा सके इसी कारण हमें पैदल आगे बढ़ना चाहिए। कुछ ही दूर आगे जाने के बाद ये चारों एक ट्रैप के अंदर फंस जाते हैं और इन्हें ट्रैप में फंसाने वाली और कोई नहीं बल्कि दो फीमेल थी और ये भी बॉनी ही थी। ये बॉनी आपस में एक दूसरे को बिल्कुल नहीं पसंद करती थी। एरिक खुद को नीचे उतारने के बदले एक डील करता है कि मैं तुम्हें यही एरो दूंगा जिसके अंदर डायमंड और गोल्ड है, लेकिन इसके बारे में तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा। तब यहाँ इन दोनों लड़कियों के थ्रू बताया जाता है कि ये एरो गॉब्लिंस का है, गॉब्लिंस अब तक जिंदा है, गॉब्लिंस हमेशा चमकती हुई चीजों को अपने साथ ले जाते हैं और उन्हें एक ऐसे जंगल में रखते हैं जहाँ से वापस लौट के आना नामुमकिन है। तुम तो एक हट्टे कट्टे इंसान दिखते हो, तो चलो मिलकर एक डील तय करते हैं, अगर तुम्हें गॉब्लिंस के फॉरेस्ट में पहुंचना है तो वहां तक तुम्हें मैं लेके जाऊंगी, लेकिन तुम हमें उनसे बचाओगे, इसके बदले में वहां से सारा सोना चुरा लूंगी और तुम्हें तुम्हारी चीज मिल जाएगी। एरिक को सौदा पसंद आता है, जिसके बाद अब एरिक, सैरा और सारी बॉनी एक साथ निकल पड़ते हैं गॉब्लिंस के फॉरेस्ट में जाने के लिए। गॉब्लिन के फॉरेस्ट में जाते ही वहाँ हर जगह काफी बेशकीमती चीजें दिखाई देने लगती है, इसी कारण एक अंगूठी चुराई भी जा चुकी थी। यहाँ पे एरिक को वही ब्लड मिलता है जिसके अंदर टार था, यानी कि ये लोग बिल्कुल सही जगह पे पहुंच चुके थे। कुछ दूर आगे जाने के बाद उन्हें वही मिरर दिखाई देता है, लेकिन ये सारे के सारे गॉब्लिंस एक दूसरों को मार चुके थे। इसका मतलब है कि यही मिरर ऐसी चीजें क्रिएट करता है जिससे कि हर एक इंसान एक दूसरे को मार सकते हैं। सभी एकदम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी एक गॉब्लिन आता है जो कि सभी को स्मेल करने लगता है। गॉब्लिन को अपनी एक रिंग इन्हीं के पास दिखाई देती है, इसी कारण वो अटैक कर देता है। सैरा अपने लोगों को बचाने के लिए गॉब्लिन पे अटैक करती है, लेकिन गॉब्लिन इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो सैरा को उठा के फेंक देता है। एरिक बोनो को कहता है कि इस मिरर को यहाँ से दूर ले जाओ, मैं इन्हें संभालता हूँ। यहाँ सैरा और एरिक गॉब्लिन से मिलकर फाइट करते हैं। इतनी ही देर में सारे बोने मिलकर इस मिरर को काफी दूर ले जा चुके थे, लेकिन इस गॉब्लिन ने अपने रॉर के कारण काफी सारे गॉब्लिन्स को इकट्ठा कर लिया था, इसी कारण एरिक और बाकी सभी का जिंदा बच के जाना नामुमकिन था। एरिक सभी को कहता है कि तुम आगे बढ़ो, मैं इनसे फाइट करता हूँ। सैरा देखती है कि एरिक इन गॉब्लिन्स के बीच में मारा जाएगा और सैरा को यह भी पता था कि गॉब्लिन्स के ब्लड में टार होता है, इसी कारण वो एक एरो निकालती है और सीधा आग चलाते हुए सारे गॉब्लिन्स को जला देती है। एरिक के वापस ना आने पर सभी सोच चुके थे कि एरिक जिंदा नहीं बचा, लेकिन एरिक तो इस मूवी का हीरो है, वो कैसे मारा जा सकता था। रात होने पर सभी लोग यहीं स्टे करते हैं जहाँ पे सैरा अपने आप को हील कर रही थी। एरिक वापस से सैरा को समझाने की कोशिश करता है कि फ्रेया ने हमें मैनिपुलेट किया है। इसी के साथ सैरा को एरिक के गले में वही लॉकेट दिखता है जो कि आज से 7 साल पहले सैरा ने एरिक को दिया था। इसी कारण सैरा और एरिक एक काफी अच्छा मोमेंट शेयर करते हैं। अगली सुबह होने पे एरिक को यही मिरर अपनी तरफ बुलाने लगता है। उसी की तरफ आगे बढ़ते हुए एरिक को लगता है कि शायद सैरा उनसे झूठ बोल रही है। सैरा जब आगे बढ़ती है तो वो एरिक को हेलुसिनेशन में से निकाल देती है। तब एरिक कहता है कि सैरा तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो, जरूर कुछ ना कुछ बात है जो कि तुमने हमें नहीं बताई है। देखते ही देखते ये बहुत सुंदर फॉरेस्ट एक आइस फॉरेस्ट में बदलने लगता है। तब हमें पता चलता है कि सैरा को तो फ्रेया ने भेजा था इसी आइस मिरर को एरिक के थ्रू ढूंढवाने के लिए। अब यहाँ पे फ्रेया के सारे सोल्जर्स आ चुके थे। फ्रेया यहाँ पे कहती है कि प्यार प्यार नाम की कोई चीज नहीं होती और एरिक ये चीज तुम्हें अभी पता चल जाएगी जब सैरा तुम्हें धोखा देगी। जाने से पहले फ्रेया सैरा को एक ऑर्डर देती है कि एरिक को मार डालो। सैरा बिना टाइम गवाए एरिक को एरो मार देती है। इन दोनों बोनों को लगता है कि एरिक मारा जा चुका है, लेकिन असल के अंदर सैरा ने ये जान करके किया था। उसी लॉकेट पे सैरा ने अटैक किया था जिससे कि एरिक ना मर सके, और अब एरिक को सब कुछ समझ आ चुका था कि सैरा इन्हीं की तरफ है, नहीं तो उसका निशाना कभी गलत नहीं होता। छोटी छोटी फेरीज एरिक की मदद करती है उन्हें आइस क्वीन के कैसल तक पहुंचाने के लिए। यहाँ फ्रेया अपने आइस कैसल में पहुंच चुकी थी जहाँ इसके सामने वही मिरर था। फ्रेया जैसे ही मिरर से ये क्वेश्चन पूछती है कि सबसे सुंदर कौन है, तभी उस मिरर के अंदर से कोई बाहर आने लगता है। ये और कोई नहीं बल्कि रेवेना ही थी। रेवेना बाहर आते ही फ्रेया का शुक्रिया अदा करती है और बोलती है कि तुम्हारी वजह से ही मैं बाहर निकल पाई हूँ, मुझे जब मारा गया था तो मैंने अपनी सोल इसे मिरर को दे दी थी और ये कर्ज तभी टूट सकता था जब कोई इस मिरर से पूछे कि सबसे सुंदर कौन है। मेरी बहन, तुमने मुझे आजाद कर दिया है। फ्रेया को बिलीव ही नहीं होता कि रेवेना अब तक जिंदा है और वो भी इस मिरर के अंदर थी। रेवेना बाहर आती ही फ्रेया को कहती है कि हम दोनों मिलकर स्नो व्हाइट से बदला लेंगे। यहाँ फ्रेया के कैसल के अंदर ही रेवेना खुद रूल करने लगती है और सभी को अपनी टेक्निक्स बताने लगती है कि कैसे हम स्नो व्हाइट के किंगडम में जाके उसे हथिया लेंगे। लेकिन ये चीज कहीं ना कहीं फ्रेया को पसंद नहीं आ रही थी। दूसरी तरफ एरिक और दो बोनों ने मिलकर प्लान बनाया था कि वो फ्रेया के कैसल के अंदर कैसे जा सकते हैं, क्योंकि फ्रेया जब फॉरेस्ट के अंदर आई थी तो उसने दो बोनों को फ्रीज कर दिया था और अपने साथ ही ले आई थी। जिसके बाद आता है इस मूवी का सबसे आइकॉनिक सीन जिसके अंदर एरिक एक बहुत बड़े माउंटेन पे चढ़ के काफी नीचे जंप करता है। शायद वो मर भी सकता था और वो खुद ही कहता है कि ये सबसे गंदा आइडिया था, लेकिन फिर भी एरिक कैसल के अंदर पहुंच जाता है। इस टाइम तक फ्रेया अपने सारे हंट्समैन जिन्हें वो अपने बच्चे मानती थी उन्हें मोटिवेट करती है कि हमें स्नो व्हाइट के कैसल में जाना है और उन्हें मार
गिराना है। तभी वहाँ पे एरिक ऊपर खड़ा होके फ्रेया के ऊपर अटैक करने ही वाला था कि तभी वो एरो रेवेना पकड़ लेती है और फ्रेया को प्रोवोक करने लगती है। इसी टाइम पे सेरा भी आके फ्रेया को मारने वाली थी लेकिन फ्रेया उसे भी रोक लेती है, जिसके बाद रेवेना पूरी तरीके से फ्रेया को प्रोवोक कर चुकी थी कि तुम्हारे कैसल के अंदर क्या कोई रूल नहीं है कि अगर कोई दगाबाजी करेगा तो उसके साथ क्या सलूक किया जाए। फ्रेया को नहीं चाहते हुए भी एरिक और सेरा को मारने के ऑर्डर देने पड़ते हैं। वही सारे हंट्समैन जो अब तक सेरा और एरिक के साथ बड़े हुए थे वो सभी सेरा और एरिक को आके ले आए थे मारने के लिए। एरिक सभी को समझाता है कि फ्रेया ने अब तक हमारे साथ अच्छा नहीं किया है, उसने बस हमें बड़ा करके इस्तेमाल ही किया है, लेकिन कोई भी एरिक की बात नहीं मानता है। लेकिन देखते ही देखते अब सारे सोल्जर्स एरिक की तरफ हो चुके थे और उन्हीं की चेन तोड़ के अब रेवेना और फ्रेया की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी रेवेना की ब्लैक मैजिक के कारण उसने अपने अंदर से ऐसी पावर्स निकाली जिससे कि सारे सोल्जर्स एक एक करके मरने लगे। फ्रेया अपने ही लोगों को मरते हुए नहीं देखना चाहती थी, इसी कारण उसने एक बहुत बड़ी आइस फॉल क्रिएट कर दी। दूसरी तरफ रेवेना और फ्रेया के बीच झगड़ा होने लग जाता है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो। रेवेना कहती है कि मैंने तुम्हें इतना स्ट्रांग इसलिए नहीं बनाया था कि एक दिन आके तुम कमजोर पड़ जाओ, मेरे सारे एफर्ट्स वेस्ट गए हैं। तो फ्रेया कहती है कि तुमने मेरे ऊपर कौन से एफर्ट्स लगाए हैं। सच जानने के चक्कर में फ्रेया रेवेना को पकड़ लेती है और मिरर से पूछती है, क्योंकि रेवेना मिरर का ही हिस्सा थी। जिसके बाद फ्रेया को सब कुछ पता चलता है कि रेवेना को तो पहले से ही पता था कि फ्रेया के पेट में पल रही बच्ची सबसे ज्यादा खूबसूरत होने वाली है, बल्कि रेवेना से भी खूबसूरत और इतनी स्ट्रांग कि वो एक दिन जाके रेवेना को मार देगी। इसी कारण रेवेना ने फ्रेया से प्यार करने वाले लड़के का इस्तेमाल किया और फ्रेया की बच्ची को मरवा दिया। ये बात जानने के बाद फ्रेया एक मिनट भी नहीं रुकती अपनी बहन को मारने के लिए। दूसरी तरफ एरिक और सेरा बाकी सारे सोल्जर्स के साथ मिलकर इसी वॉल को क्लाइंब करते हैं। फ्रेया अपनी ही बहन रेवेना को गले से लगा लेती है ताकि वो उसे फ्रीज कर सके, लेकिन तब तक रेवेना ने फ्रेया को इंजर्ट कर दिया था और वो वहीं पे गिर जाती है। फ्रेया के कमजोर पड़ते ही आइस वॉल भी टूट जाती है जिसके कारण सारे सोल्जर्स नीचे गिरने लगते हैं। एरिक और सेरा आगे बढ़ते हैं लेकिन रेवेना धीरे धीरे करके सभी को मार गिराती है। बची कुछ पावर्स के कारण फ्रेया इसी मिरर को फ्रीज कर देती है। रेवेना से फाइट करते हुए एरिक आगे बढ़ता है और अपनी कुल्हाड़ी को इतनी तेजी से फेंकता है कि वो सीधी जाके इसी मिरर में लगती है और मिरर फ्रीज होने के कारण टुकड़ों में टूट जाता है। मिरर के टूटने के साथ ही रेवेना की पावर्स भी खत्म हो चुकी थी। यहीं पे रेवेना भी मारी जाती है। तभी सेरा और एरिक एक दूसरे को संभालते हैं और फ्रेया के सामने आ जाते हैं। यहाँ पे फ्रेया के पास भी अब ज्यादा टाइम नहीं बचा था। फ्रेया के मरने के साथ में ही वो सारे लोग जो कि अब तक फ्रीज हो चुके थे वो नॉर्मल हो गए थे, यानी कि वो सारे किंग और कैदी जो कि अब तक फ्रेया की कैद में थे वो सभी आजाद हो चुके थे। इसका मतलब था कि स्नो व्हाइट का किंगडम अभी भी सेफ है और रेवेना फ्रेया और मिरर की सारी कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो कभी खत्म नहीं होती है। इसी सस्पेंस के साथ का इसी मूवी यही पे एंड होती है।